बुद्ध जो पूरी दुनिया में एक नाम जाना जाता है, इंग्लिश में बुद्धा बोलते हैं और पाली में भी इसका नाम बुद्धा होता है और इसके बड़े सारे रूप होते हैं। बुद्ध गुणवाचक नाम है, व्यक्तिवाचक नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्ध किसी मनुष्य का नाम नहीं है। अगर कोई मनुष्य कुछ खास गुण अपने अंदर समाहित कर लेता है या उनको मेहनत से पा लेता है या उसके पास होते हैं तो उस व्यक्ति को बुद्ध बोलते हैं। ये गुण क्या है? बुद्ध जो तीन शब्दों का समायोजन यानी कि योग है, बोधि, धम्म और सिद्ध। बोधि, धम्म और सिद्ध जिनको तीन शब्दों का मिला दें तो एक शब्द बनता है बुद्ध। बोधि हम उसको कहते हैं जो उच्चतम प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर जो मनुष्य का उच्चतम ज्ञान होता है, हाईएस्ट एजुकेशन होती है, हाईएस्ट इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम बोधि बोलते हैं, जो सम्यक होती है, राइट होती है, सही होती है और लोगों का कल्याण करती है, वो जानकारी। धम्म हम बोलते हैं प्रकृति को, यानी प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उनका अपना काम करने का एक फिक्स पैटर्न होता है, वो उस फिक्स पैटर्न से हटती नहीं है, उसको हम धम्म बोलते हैं पाली के अंदर। और सिद्ध जो होता है, सिद्ध माने उसको सफल करना। सिद्ध मतलब अगर आपने हाईएस्ट इंफॉर्मेशन नॉलेज को प्राकृतिक नियम के अनुसार सम्यक बिल्कुल ठीक आपने सफल कर लिया है तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे किसी भी मनुष्य को बुद्ध बोलते हैं। बुद्ध एक उपाधि है, हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा बुद्ध होता है। जैसे जैसे आप उसको निखारेंगे या समझेंगे, जानेंगे, वो बुद्ध की जो उपाधि है, जो गुण है, वो बढ़ता चला जाता है। और जो पूरी तरह से इसको निकाल लेते हैं यानी अवगुणों को खत्म कर देते हैं और इस गुण को ले आते हैं, वो बुद्ध हो जाते हैं। और अगर इसका सम्यक इस्तेमाल करते हैं और आगे लोगों को बताते हैं तो वो सम्यक संबोधि बुद्ध होते हैं।